नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने के संभावित आवेदनकर्ताओं की बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह, विशिष्ट अतीत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगढ़ अहमद शमशाद एवं मनोज कुमार गौतम उपस्थित रहे। बैठक में मिशन 2022 की रणनीति एवं सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई। बैठक के उपरांत मीडिया से मुखातिब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, अभी जो टीटी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो उसमें राय अनूप प्रसाद एक अभियुक्त के रूप में उभर कर आया है और उस भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जो रश्मि वर्मा जी विधायक हैं उनका वो भाई है। मुख्यमंत्री जी रोज बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी रोज दमन की करने की बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके भविष्य के साथ रोज पर्चा लीक के माध्यम से आपकी सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रही है, तो इस टेट की परीक्षा में जो आपके विधायक का भाई का नाम आया है, जो गोरखपुर का रहने वाला राय अनूप प्रसाद है, उसके खिलाफ बुलडोजर आपका कब चलेगा मुख्यमंत्री जी? इस प्रकार का आपकी जो बात है, आप सिर्फ भेदभावपूर्ण बात करते हैं। आपकी सरकार में बैठे हुए लोग अगर जांच करा लिया जाए तो आपकी पूरी सरकार पर बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ेगी। हम पूरा उम्मीद उत्तर प्रदेश का जो छात्र है, जो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, वो इस बात को की उम्मीद कर रहा है कि आने वाले दिनों में 2022 का जब चुनाव होगा तो आपकी सरकार पर बुलडोजर चलाने का काम करेगा।